जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एलिमेंट नंबर 4 शुरू करेंगे निबोश का, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर और मेजर कैसे करेंगे ये हम आज डिस्कस करेंगे इस एलिमेंट में। इस एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद तौकीर अख्तर और आई एम ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश। लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें, इस एलिमेंट में डिस्कस कॉमन मेथड्स एंड इंडिकेटर्स यूज टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन, यानी हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस असर देखना है कि कितना है, ठीक है, कौन से मेथड यूज होंगे और कौन से इंडिकेटर यूज होंगे ये देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। इसमें हम बताएंगे कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो है उनको क्यों और कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। एक्सप्लेन व्हाट एन ऑडिट इज एंड व्हाई एंड हाउ दे आर यूज्ड टू एवेल्युएट अ मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बताया जाएगा कि ऑडिट कैसे किया जाता है, क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और ये किसे इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करने के लिए। एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ रेगुलर रिव्यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस आर नीडेड। इसमें ये भी बताएंगे कि कैसे और क्यों जायजा लेना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का कंपनी में। दोस्तों ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसमें इंडिकेटर्स देखेंगे, इंसिडेंट क्यों, इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है ये देखेंगे हम लोग, और ऑडिट क्या चीज़ है और कैसे ये किया जाता है और कैसे हम इसको एवेल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक हो गया, और एक्सप्लेन हाउ रेगुलर रिव्यूज, और हम लोग रिव्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे ये क्यों लेना ज़रूरी है। एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग कौन सी होती है, लुकिंग एट कंट्रोल मेजर टू सी इफ दे आर करेक्ट एंड बीइंग यूज्ड बिफोर एक्सीडेंट ETC आर कॉस्ट। यानी हम लोग उन कंट्रोल मेजर को देख रहे हैं कि ये सही सीमित में जा रहे हैं एक्सीडेंट होने से पहले, ठीक हो गया। और रिएक्टिव मॉनिटरिंग कौन सी होती है, यूज एक्सीडेंट इंसिडेंट एंड इल हेल्थ डेटा टू हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न। यानी कि जो हम लोग आप कह सकते हैं कि वो इकदाम करेंगे एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के बाद और उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे कि किस वजह से, किस मसले की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर नॉन कन्फर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ का हमने देखना है कि ये इंप्लीमेंट हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करना है, इस चीज़ का हम लोगों ने देखना है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान, के अगेंस्ट हमने रिस्क असेसमेंट जो बनाई है वो कितनी है और किस क्वालिटी की है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल, ये चेक करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या कह रहा है, किस तरह काम कर रहा है। कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग्स टू शेड्यूल, जो मीटिंग होंगी सबकी इकट्ठी मिलके जिसमें मैनेजमेंट भी होगी वो सारे होंगे, उसका शेड्यूल चेक करना। वर्कप्लेस इंस्पेक्शन टू शेड्यूल, वर्कप्लेस जो इंस्पेक्शन है जो डेली इंस्पेक्शन की जाती है साइट के ऊपर HSC की, उसका शेड्यूल देखना, इन चीजों को मेजर करना। सेफ्टी इंस्पेक्शन सैंपलिंग एंड टूर्स। सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होती है, एग्जामिनेशन ऑफ वर्कप्लेस, स्टैचुरी इंस्पेक्शन, प्लांट एंड मशीनरी प्री यूज चेक्स। ये वर्क काम करने की जगह का एक मुआयना होता है, ठीक है, जो कि खुद भी किया जा सकता है और कंपनीज भी करती हैं गवर्नमेंट की। क्या क्या करती है उसमें, उसमें प्लांट और मशीनरी को चेक किया जाता है
कि ये सेफ तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है, यूजुअली डन बाय वन लाइन मैनेजर और कॉम्पिटेंट पर्सन। या तो ये वैसे अमूमन लाइन मैनेजर करता है या कोई कॉम्पिटेंट बंदा होता है जिसको पता होता है हर चीज़ का, मतलब इसके बारे में, इस इक्विपमेंट्स के बारे में, मशीनरी के बारे में, वो उसको चेक करता है। सेफ्टी सैम्पलिंग क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लायंस, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये निगरानी होती है जो कि कोई भी नुमाइंदा, गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा आ सकता है या कोई क्लाइंट का नुमाइंदा आके वो आके चेक करता है कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काम हो रहा है या कि नहीं हो रहा। सेफ्टी टूर, अ हाई प्रोफाइल वॉक अराउंड इंस्पेक्शन इन अ वर्क प्लेस कैरिड आउट बाय अ ग्रुप इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजर। द इंटेंशंस इज टू इंटरैक्ट एंड बी हाईली विजिबल। इसमें होता यह है कि जी टॉप की मैनेजमेंट होती है, वो सारी की सारी वीकली कह सकते हैं या मंथली कह सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाती है और सेफ्टी टूर करती है। ये भी इंस्पेक्शन की तरह की चीज़ होती है, इंस्पेक्शन करती है, ठीक है, और उसमें देखा जा सकता है कि बड़े लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टमैटिक इंस्पेक्शंस, मुनज़्ज़म मुआयना। ये क्या चीज़ है जी? प्लांट, प्लांट की जाती है, इसमें मशीनरी भी आ जाती है और व्हीकल्स भी आ जाती है, गाड़ियां भी आ जाती है और मशीनें भी आ जाती हैं, ठीक हो गया। प्रीमाइसिस वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, काम करने की जगह भी आ जाती है और काम करने की जगह का माहौल भी आ जाता है कि माहौल कैसा है वहाँ का। पीपल वर्किंग मेथड बिहेवियर, काम का जो मेथड है, काम करने का जो तरीक़ेकार है वो, और बिहेवियर, बिहेवियर लोगों का सलूक कैसा है, ये भी आ जाता है। प्रोसीजर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है और परमिट टू वर्क, ये भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। चार चीज़ें चेक करनी है, फोर पीस कहते हैं, प्लांट, प्रीमाइसिस, पीपल एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। इसमें मशीनरी आ जाती है, वर्क प्लेस वर्किंग मेथड है इसमें, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है। अरेंजमेंट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, अरेंजमेंट क्या क्या जी? फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। कौन कौन से अनासर कंसीडर होंगे जब हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग को प्लान करेंगे? पहले नंबर पे टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, किस किस्म की मॉनिटरिंग चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी बार होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए या मंथली होनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या देनी है, किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। कॉम्पिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है। यूज ऑफ चेकलिस्ट, जो हम लोग चेकलिस्ट यूज करेंगे उसको देखना है कि किस किस्म की चेकलिस्ट यूज हो रही है। एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड, और जो हम लोगों ने प्रॉब्लम, जो हमने प्रॉब्लम देखनी है उसके लिए हमने क्या क्या प्लान करना है, ये चीज़ें कंसीडर होंगी। एग्जाम्पल ये है इंस्पेक्शन सिस्टम की, बैंक हेड ऑफिस, बैंक का हेड ऑफिस है। पर्पस इसमें है, फ्रीक्वेंसी बताई गई है, कॉम्पिटेंस बताया गया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, फॉलो अप अरेंजमेंट। ये देखिए पर्पस क्या है जिसका, मॉनिटर एच एंड एस स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर करना है, मुआयना करना है हेल्थ सेफ्टी का स्टैंडर्ड। एक ऑफिस है बैंक का हेड ऑफिस, उसको आप लोगों ने मॉनिटर करना है जी, उसका पर्पस ये कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक काम हो रहा कि नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंसी कितना, मंथली, मंथ बाद, एक मंथ बाद उसको चेकिंग होती है। कॉम्पिटेंसी क्या है जी, एक वन डे कोर्स है, वो किया हुआ है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है जी, रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजर्स हैं डिफरेंट लेवल के, वो करते हैं। इंस्पेक्शन क्या है, चेकलिस्ट कौन सी है, जनरल चेकलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और अरेंजमेंट क्या है, एंड एक्शन प्लान, एक प्लान है उसके मुताबिक ये काम हो रहा है। साइज है, इन ग्रुप लिस्ट द टॉपिक हेडिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर यूज इन योर वर्कप्लेस। डिजाइन अ रफ फॉर्मेट ऑफ इंस्पेक्शन चेकशीट, आप पेपर पर करें और आप अपनी कंपनी के मुताबिक
चेकलिस्ट बता बनाएं क्या क्या चीज़ें जो आपके जहाँ आप काम करते हैं क्या क्या चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए। अरेंजमेंट फॉर वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, कौन कौन सी चीज़ अरेंजमेंट होनी चाहिए वो इंस्पेक्शन में कौन सी चीज़ें मतलब काउंट होनी चाहिए वो बताएंगे। फायर सेफ्टी है पहले नंबर पे, आग लगने का खतरा कहीं भी हो सकता है तो उसको टॉप पे रखा उन्होंने। हाउसकीपिंग, क्लीनिंग वगैरह, सफाई, इन्वायरमेंट इश्यूज, माहौल, ट्रैफिक रूट्स, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक होती है कंपनीज के अंदर व्हीकल्स वगैरह आती जाती रहती है तो उनके लिए ट्रैफिक रूट्स बनाया गया। केमिकल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और वेलफेयर फैसिलिटीज। केमिकल इस्तेमाल होता है कंपनीज में, पेंट वगैरह या एसेट्स वगैरह यूज होते हैं, मशीनरी कंपनीज में है और उनकी सेफ्टी देखनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल वो हर जगह होती है जो है उसको भी देखना पड़ेगा, और कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज, ये सारी इनको आप एक चेकलिस्ट में देख करेंगे, उनकी इंस्पेक्शन होगी और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट एंड सिचुएशन, ये तब होती है, इसको करने की जरूरत होती है जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो गया, कोई बीमारी हो गई या कोई ऐसा ना चाहते हुए वो इवेंट हो गया कि बस उसके बाद ही शुरू कर दी जाती है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इसमें क्या क्या हाईलाइट्स, एरिया ऑफ कंसर्न, उन एरियाज की निशानदेही की जाती है जहां मसला होता है। थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, जो ऑलरेडी चीजें खराब हो चुकी हैं उसको डिस्कस किया जाता है। मेजर फेलियर, कौन कौन से मेजर्स लगाए थे, कौन कौन से इसमें चीजें लगाई थी जो फेल हो गई। टू मेथड्स, इसकी करने के दो मेथड हैं। लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट एक्सीडेंट, जो पिछला एक्सीडेंट गुजर गया उससे हमने सबक सीख लिया और उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, या डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड, जो आपने डाटा कलेक्ट कर लेना है पिछले साल का या उसी साल का, ठीक है, उससे आपने सबक हासिल करने के, कहां कहां आपकी गलतियां हुई हैं, कहां कहां मसले हैं। डाटा किस चीज का कलेक्ट करना है, एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है। डेंजरस अकरेंस, जो एक हादसा पेश आ जाता है आप कह सकते हैं, उसमें वो आप डिस्कस करेंगे किस किस्म का होता है, इसमें गैस लीकेज हो गई या एक्सप्लोजन हो गया या कोई ऑयल वगैरह लीक हो गया, ये चीज़ें। नियर मिसेस, हादसा हो गया लेकिन बचत भी हो गई, उसको भी डिस्कस करना है। इल हेल्थ केसेस, पुराने केसेस देखने हैं बीमारी के कि क्या क्या बीमार हुआ बंदा, किस तरह हुआ, ठीक है। वर्कर कंप्लेंट्स, वर्कर्स की कौन कौन सी कंप्लेंट की हैं पीछे। इन्फोर्समेंट एक्शन, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं, ये सारे डाटा कलेक्ट करने। असिस्ट इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स, इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड चेक करना कितनी देर बाद ये हुआ है मामला, ठीक है। पैटर्न्स, हॉट स्पॉट्स ऑफ सर्टेन टाइप्स, और ये भी देखना है कि किस किस्म का वो इंजरी वगैरह हुई है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या है जी, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स पर 100,000 आवर वर्क, एक्सीडेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कि किस तरह रेट जो है वो हम लोग देखेंगे। अगर कोई खुदा ना खास एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको देखना है कि हमने एक फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक हमने ये करना है। उसमें फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक एक्सीडेंट हो गया उसका टाइम काउंट कर लेना कि कितना टाइम इसमें आपने लॉस किया है, वो एक दिन भी हो सकता है, दो दिन भी हो सकते हैं, वो दो घंटे भी हो सकते हैं, चार, वो सारे का सारा आपने टाइम काउंट करना है, ठीक है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर वर्क ओवर द सेम पीरियड, और उस सेम पीरियड में हमने आवर्स भी काउंट करने की, काम कितना हुआ था। सपोज सुबह काम 9 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे एक्सीडेंट हुआ तो 2 घंटे काम हुआ था, उसको भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो वो टोटल बन जाएगा तकरीबन 10 घंटे, तो
अगर एक्सीडेंट हुआ तो 8 घंटे जाया हो गए, तो 8 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100,000, ठीक हो गया। 4/2 एलिमेंट इन्वेस्टिगेटिंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स। रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या रीजन है इन्वेस्टिगेशन की, आपको बताया गया। आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉज, जो फॉरन वजह है वो पता लगती है इसे, और बुनियादी जड़ जो है वो पता लगती है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ। प्रिवेंट रिकरेंस, दोबारा ना हो, उससे बचाता है। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस, सारा रिकॉर्ड वगैरह जमा करने के लिए, ठीक है। लीगल रीजंस, इसकी कानूनी वजह भी है। इंश्योरेंस पर्पसेस, इंश्योरेंस कराई गई है, उनको बताना है कि ये हमारा बंदा है, ये हो गया है, हमारा बंदा इंजर्ड हो गया है, तो इसकी मोरल, स्टाफ मोरल को हाई करने के लिए। अगर छोटी छोटी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो स्टाफ का मोरल हाई होगा कि ये हम लोग महफूज हैं, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ते तो बड़े हादसा उनसे बच जाएंगे। डिसिप्लिनरी पर्पसेस, दस्तावेज़ का मकसद है। डाटा गैदरिंग, डाटा इकट्ठा करने के लिए। ये बाज़ अवकात ऐसे भी होता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया जाता है या कहीं अप्लाई किया जाता है उन्होंने बिड के लिए, तो वो फिर डाटा मांगते हैं इन्वेस्टिगेशन का, अपनी इन्वेस्टिगेशन बताएं पिछली क्या कौन सी की एक्सीडेंट की, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। टाइप ऑफ इंसिडेंट, किस किस्म के वाक़ हो सकते हैं, हादसा हो सकते हैं। एक्सीडेंट, नियर मिस, डेंजरस अकरेंस, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। एक्सीडेंट भी हादसा है जिसमें नुकसान होता है, नियर मिस हादसा है लेकिन नुकसान नहीं होता उसमें। डेंजरस अकरेंस, एक ऐसा हादसा पेश आ गया, ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग करनी है आपने गवर्नमेंट को। वर्क रिलेटेड हिल हेल्थ, काम के दौरान बीमारी जो होती है, अब वो बता रहे हैं एक्सीडेंट के बारे में। एन अनप्लान अनवांटेड इवेंट विच लीड्स टू इंजरी डैमेज और लॉस, एक ना चाहते भी हुए भी एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा वाकया जिसकी वजह से आपको चोट लग जाए, आपका नुकसान हो जाए या कोई प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हो जाए उसका, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सीडेंट। इंजरी एक्सीडेंट क्या होता है, ना चाहते हुए भी इंसान को इंजरी लग जाए, जैसे हाथ कट गया उसको इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं। डैमेज ऑनली एक्सीडेंट, उसमें नुकसान बॉडी का तो नहीं हुआ लेकिन आपकी कार का, आपकी बिल्डिंग का, आपकी इक्विपमेंट का लॉस हो गया, उसको कहेंगे डैमेज ऑनली एक्सीडेंट, ठीक है। नियर मिस क्या है एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट डैट हैड द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इनफैक्ट डू सो, ऐसा ना चाहते हुए वाकया जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता था मगर पहुंचा नहीं, उसको हम नियर मिस कहते हैं। डेंजरस अकरेंस की बात हुई थी, असाइड इवेंट डैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रेलिवेंट अथॉरिटी बाय स्टैट्यूट लॉ, अ मेजर गैस थी, एक ऐसा वाकया है जिसको लाजमी आपको गवर्नमेंट को अप्लाई बताना ही पड़ेगा या कोई अथॉरिटी जो है वहां उसको बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे गैस लीक हो गई, ऑयल लीक हो गया, ठीक है, कोई डैमेज होगी जो गवर्नमेंट की कोई चीज़ डैमेज होगी उसको लाजमी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आपको, उसको डेंजरस अकरेंस कहते हैं। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, काम के दौरान बीमार होना। अ डिजीज और मेडिकल कंडीशन डेट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वर्क एज डर्मेटाइटिस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट्स, एक ऐसी बीमारी और मेडिकल कंडीशन है जो काम के दौरान आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है, उसमें डर्मेटाइटिस का बताया गया है जो स्किन से, स्किन की सोजिश हो जाती है काम के दौरान, स्किन की सोजिश, स्किन को आप इरिटेट करती है वो, मतलब कि उसमें आप कह सकते हैं कि खारिश महसूस होती है, ठीक है, वो बीमारी लग सकती है। एग्जाम्पल दिया, मिनिमल, लो, मीडियम, हाई। मिनिमल में क्या है जी, लाइन मैनेजर जो है ना वो एक्शन लेगा, इसमें कोई टाइम की जरूरत भी नहीं है और एफर्ट की जरूरत भी नहीं है। लो में ये है कि मैनेजर तो उसमें
को सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है, और टाइम भी चाहिए होगा और एफर्ट भी चाहिए होगा। और मीडियम में यह है कि मिडिल मैनेजर जो है, जो लाइन मैनेजर से ऊपर है, उसको विद सपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट, यानी कि उसको सपोर्ट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए। और हाई में जो है उसमें सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइड विद टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट, उसमें सीनियर मैनेजमेंट पूरी टीम लेके जाएगा, ठीक, उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, उसको हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। एक्सरसाइज आ गई है, डिस्कस द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अराइविंग एट एन एक्सीडेंट सीन एंड देन द लेटर स्टेप्स। बताएं जी, आप एक्सीडेंट पे पहुंच गए हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, क्या काम पहले करेंगे और बाकी कौन कौन से काम करेंगे। कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू मे नीड टू असिस्ट यू, किस किस्म के इक्विपमेंट आपकी हेल्प करेंगे। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या है बेसिक इन्वेस्टिगेशन का। सेफ्टी ऑफ द सीन, जहां वाकया हो गया है उस सीन को आपने सेफ कर ले। कोच, आपने ये देखना कि वो जो एरिया है जहां आपने पहुंचना वो सेफ भी है कि नहीं, ये ना हो कि वहां इर्द गिर्द कुछ चीजें गिरी हों, आपको पहुंचना बड़ा मुश्किल है, या आग लगी हो आप जा नहीं सकते हो आगे। ये देखना आपने, इज इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअलिटीज आर अप्रोच्ड। कोई आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आग लगी तो उसको बुझाने की जरूरत नहीं है, ताकि आप कैजुअलिटी तक पहुंच जाए, ताकि आप उस हादसे तक पहुंच जाए जहां बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, ठीक है। कैजुअलिटी केयर, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आएगी और हॉस्पिटलाइजेशन होगी, इसमें आप उसकी केयर कर सकते हैं। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में क्या क्या चीजें, चार स्टेप हैं। पहला स्टेप ये गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपने फैक्ट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करनी है। दूसरा स्टेप में ये एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन, आपने इंफॉर्मेशन जो ली है उसको एनालाइज करना है, देखना है, ठीक है, और आपने नतीजा अपने जहन में ड्रा कर लेना है कि ये इसका नतीजा होगा। तीसरे स्टेप में आपने ये करना है आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर, फिर आपने कंट्रोल मेजर देखने हैं तो कौन कौन से कंट्रोल मेजर इसके लिए सही होंगे। और लास्ट जो है प्लान द रिमेडियल एक्शन, फिर उसके बाद आपने मनसूबाबंदी करनी है कि कौन सा काम उसको इस तरीके से अंजाम देना है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, सिक्योर द सीन, पहले तो आपने सीन को सिक्योर करना है, आइडेंटिफाई विटनेस, चश्मदीद गवाह को देखना है कौन कौन चश्मदीद गवाह है, कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लोगों से आपने हकीकत वाली से मबनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, इंटरव्यू विटनेस, चश्मदीद गवाहों का इंटरव्यू लेना है, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स को आपने देखना है। जहां आपने इंटरव्यू करना है ना विटनेस वालों का, यानी चश्मदीद गवाह जो है वहां के, उनका इंटरव्यू करना है, तो उसकी टेक्निक बताएगी कि कैसे आपने करना है। तो रूम में जाना है, क्वाइट रूम, नो डिस्ट्रैक्शन, एक ऐसा कमरा हो जहां पर शोर शराबा ना हो। एस्टैब्लिश आर रैपोर्ट, हम आहंगी पैदा करनी है, यानी कि भाई मैं आपके साथ हूं, ठीक है, अब बताएं। एक्सप्लेन द पर्पस, नॉट अबाउट ब्लेम, आपने उसको मकसद बताना है कि ये मकसद है इसके इन्वेस्टिगेशन का, आपको ब्लेम करना नहीं है, यानी आप पर इल्जाम लगाना नहीं है। यूज ओपन क्वेश्चन, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, 5W और 1H, ये भी फार्मूला एक है इसका। उसमें आपने क्वेश्चन करने हैं ओपन, कौन था, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। कीप एन ओपन माइंड, आपने अपना जहन ओपन रखना है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। टेक नोट, लिखते जाना साथ साथ आपने। आस्क फॉर अ रिटन स्टेटमेंट, कोशिश करेंगे उसको रिटन स्टेटमेंट दें, और एंड पे आपने शुक्रिया अदा करना है, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जी आपने एग्जामिनेशन करनी है, कंपनी पॉलिसी, HSC पॉलिसी आपने डिस्कस करनी है, देखनी है, रिस्क असेसमेंट देखनी है आपने, जो उस काम से जॉब से रिलेटेड है जहां एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखना है आपने कि किस किसने ट्रेनिंग ली है, किस किसने नहीं ली, कब ली है, रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं थी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देखना है, इसमें
परमिट टू वर्क देखने हैं कि उसका परमिट भी लिया था कि नहीं लिया था, मेंटेनेंस रिकॉर्ड वो चेक करना है आपने, प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड या रिपोर्ट वो आपने देखनी है जो एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं, सिकनेस एंड एब्सेंस रिकॉर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं, रिव्यू करने हैं। स्टेप टू में जहाँ एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसको एनालाइज देखना है कि क्या चीज़ है। इमीडिएट कॉज क्या क्या, उसमें क्या क्या होता है, अनसेफ एक्ट होगा या अनसेफ कंडीशन होगी, जब कंडीशन ठीक नहीं होगी अनसेफ होगी, या एक्शन ठीक नहीं होगा अनसेफ होगा, ये तो इमीडिएट होगी ना कॉज। अब अंडरलाइंग रूट कॉजेस, बुनियादी और जड़ क्या है उस एक्सीडेंट होने की, उसमें बताया गया कि रीजन बिहाइंड द इमीडिएट कॉज, इमीडिएट तो कॉज होगी ना फौरन, जब वो अनसेफ एक्ट था या अनसेफ कंडीशन थी, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी, ओपन फेलियर इन मैनेजमेंट सिस्टम, क्या मैनेजमेंट सिस्टम का फेलियर तो नहीं था, सुपरविजन ही कोई नहीं थी, पीपीई नहीं दिया हुआ था उसको, ट्रेनिंग नहीं थी, नो मेंटेनेंस नहीं था, नो चेकिंग और इंस्पेक्शन और चेकिंग नहीं थी, इनएडिक्वेट और नो रिस्क असेसमेंट ही नहीं बनाई थी, यानी उसकी रिस्क असेसमेंट ही नहीं बनाई थी, तो वो हो गया। इसमें क्या है, मैनेजमेंट फेलियर बताया गया कि मैनेजमेंट फेलियर होगा उसका। ग्रुप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आ गई एक और, अ वर्कर इज स्ट्रक बाय अ लोड बीइंग कैरीड ऑन अ पैलेट बाय अ फोर्कलिफ्ट ट्रक, आउटलाइन पॉसिबल इमीडिएट एंड अंडरलाइंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक फोर्कलिफ्ट ट्रक है, उस एक आदमी उस पैलेट के साथ टकरा गया है, अब उसके बारे में बता रहा है कि इमीडिएट जो भी है फौरन जो भी उसका रीजन है वो बताएं, और उसकी बुनियादी वजह बताएं एक्सीडेंट की क्या हो सकती है। अब वो उसकी बता रहा है कि पॉसिबल जो के है वजह कौन कौन सी है, बुनियादी वजह और फौरन जो वजह हो सकती है क्या, कहता फेलियर टू सिक्योर द पैलेट, वो जो ट्रक ड्राइवर था उससे सिक्योर ही नहीं किया गया, पैलेट सिक्योर नहीं किया गया, उससे फेल हो गया, मतलब पैलेट जाके टकरा गया उसको, पुअर पोजिशनिंग ऑफ द ट्रक क्लोज टू द पेडेस्ट्रियन एग्जिट, ट्रक जा रहा था पैदल चलने वाले रस्ते के पास से गुजरा था, इस वजह से वो वर्कर के साथ टकरा गया। एग्रेसिव ब्रेकिंग बाय द ड्राइवर ब्रेक जो है ना वो एग्रेसिव तरीके से लगा रहा था, इस वजह से हो गया। इन अटेंटिव पेडेस्ट्रियन स्टेप इनटू द पाथ ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक, पैदल चलने वाला जो वर्कर था वो खुद ही फोर्कलिफ्ट के आगे आ गया, ये भी वजह हो सकती है। पॉसिबल अंडरलाइंग रूट कॉसेस, बुनियादी वजह कौन कौन सी हो सकती है, नो ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर की ट्रेनिंग ही नहीं थी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन, अलग ही नहीं किया हुआ था गाड़ियों को और पैदल चलने वालों को अलग नहीं किया हुआ था, पुअर ड्राइवर इंडक्शन, ड्राइवर को इंडक्शन ही नहीं दी हुई थी, पुअर ट्रक मेंटेनेंस, ट्रक की मेंटेनेंस ही कोई नहीं थी, नो रिफ्रेशर ट्रेनर, जो ट्रेनिंग थी जिस बंदों को थी उसको फ्रेश ट्रेनिंग चाहिए थी, यानी उसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी थी लेकिन उसकी ट्रेनिंग एक्सपायर हो चुकी थी या वैलिड नहीं थी, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत थी। स्टेप थ्री में आइडेंटिफाइंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स फॉर इमीडिएट कॉजेस के लिए क्या करना चाहिए, क्लीन अप द स्पिल, जहाँ ऑयल गिरा उसको साफ कर दें, रिप्लेस द मिसिंग गार्ड, अगर गार्ड नहीं लगाया था तो उसको आप गार्ड लगा दें या चेंज कर दें गार्ड, रिलोकेट द ट्रेलिंग केबल को साइड पे कर दें, पीछे कर दें, और फॉर अंडरलाइंग रूट कॉसेस, जो बुनियादी उसकी वजह है उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी कंट्रोल मेजर लगाएंगे, मोर डिफिकल्ट बहुत वैसे, लेकिन नीड टू मेक चेंजेस इन मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजिंग की जरूरत है, ठीक हो गया। स्टेप नंबर फोर, प्लानिंग द रिमेडियल एक्शन, डेंजरस कंडीशंस मस्ट बी डील विद इमीडिएटली, जो भी डेंजरस कंडीशन होगी बहुत ही बुरी मतलब हालत होगी उसको फौरन आपने डील करना है, इंटर्म एक्शंस मे बी पॉसिबल,
आपको फौरी और अबूरी इकदामात की जरूरत है। दिस विल रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स एक्शन। जो बुनियादी जो वजह होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है। क्या क्या? विल टेक टाइम, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एफर्ट बहुत लगती है, आपका जोर लगता है, डिसरप्शन खलल आती है बहुत ज़्यादा, मनी पैसा लगता है, नीड फॉर प्रायोरिटी, आपको ज़रूरत है इसको फौरी करने की। अब इसकी एग्जाम्पल दी है, रिकमेंडेड एक्शन, प्रायोरिटी, टाइम स्केल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिकमेंडेड एक्शन क्या है? इंट्रोड्यूस इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स। आपने पूरे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग, रिफ्रेश ट्रेनिंग करानी है या नई ट्रेनिंग करवानी है। प्रायोरिटी क्या है? इसकी मीडियम है। टाइम स्केल क्या? एक मंथ के अंदर अंदर आपने क्लियर करना है। और रिस्पॉन्सिबल कौन पर्सन है? वेयर हाउस मैनेजर। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मिंग पीपल दैट एन इंसिडेंट हैज अकर्ड। रिपोर्टिंग लोगों को बताने का तरीका है कि इंसिडेंट हो चुका है, हादसा हो चुका है। कैन बी इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी के अंदर भी हो सकता है, और एक्सटर्नली टू इन्फोर्सिंग अथॉरिटी और इंश्योरेंस, और बाहर भी हो सकता है, कंपनी के बाहर भी हो सकता है, जो कि आप गवर्नमेंट बताएगी आपको या मीडिया बताएगा आपको, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी बताएगी आपको। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। रिकॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट का एक किस्म का आप कह लें कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है इसको रिकॉर्ड करना। एक्सरसाइज आ गई है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइकली टू हैंडल गुड एक्सीडेंट्स एंड नियर मिस रिपोर्टिंग। कौन कौन सी चीज़ें रुकावट बनती हैं एक्सीडेंट और नियर मिस रिपोर्टिंग में, ये बताना जी आपने। व्हाट कैन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू मेक इट मोर लाइकली दैट इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हों। ये जो एक्सरसाइज है ये आप करें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलें, बैरियर्स टू रिपोर्टिंग। क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पॉलिसी क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, पहले कभी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में मसला हो सकता है। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, रिपोर्टिंग होती जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, समझ में नहीं आती। एक्सेसिव पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, 6-7 पेपर लगा दिए हैं फजूल में, उनका कोई काम ही नहीं इस चीज़ में, तो वो रिपोर्टिंग का ज़्यादा उन्होंने डिटेल बता दी है। टेक्स टू मच टाइम बहुत लगता है इसमें। ब्लेम कल्चर, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि आपकी वजह से हुआ है, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं। अपाथी, बेहिस्सी की वजह से। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग ही नहीं है पॉलिसी पे ना प्रोसीजर्स पे, तो फिर भी ये रुकावट आ सकती है रिपोर्टिंग में। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये देखते हैं हम कि इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन द सिवेरिटी, किस किस्म की सिवेरिटी होगी, ये डिपेंड करता है सिवेरिटी पे। इंटरनल में क्या आएगा? डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ जाते हैं, हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल एडवाइजर आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? फैमिली ऑफ द कैजुअल्टी, जिस बंदे का हादसा हुआ है उसकी फैमिली आ जाती है। एक्सटर्नल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, और पब्लिक रिलेशन एडवाइजर्स आ जाते हैं। ये उनकी डिपेंड इनके ऊपर करता है इंसिडेंट की रिपोर्टिंग, ठीक हो गया। इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड द एक्सीडेंट बुक, इसमें क्या क्या होता है इंसिडेंट रिकॉर्ड में और एक्सीडेंट बुक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ कैजुअलिटी,
नेम एंड एड्रेस ऑफ कैजुअलिटी, जिस बंदे को हादसा हुआ है उसका नाम और उसका एड्रेस। डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस टाइम हुआ है और किस डेट को हुआ है। लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, किस जगह पे हुआ है। डिटेल्स ऑफ इंजरी, किस किस्म की इंजरी हुई है उसको, फ्रैक्चर हुआ है या उसको मसल पेन हुई है, क्या हुआ उसको। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, क्या ट्रीटमेंट उसको दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, क्या वजह थी इंजरी की, क्या इवेंट हुआ था। डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंस इन्वॉल्व, कोई इक्विपमेंट या कोई केमिकल वगैरह तो कोई सब्सटेंस तो इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर, वो उसकी डिटेल लिखनी है। विटनेस नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, जो बंदों ने विटनेस देनी है उनके नाम और डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, बंदों की डिटेल और रिकॉर्ड कंप्लीटिंग रिकॉर्ड। सिग्नेचर्स, सिग्नेचर करने हमके, ठीक हो गया। रिपोर्टेबल इवेंट्स, जो एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स हैं कौन कौन से हैं जी। सम इंसिडेंट नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटर बाय लॉ, फॉर एग्जांपल सब कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि गवर्नमेंट को, हाई अथॉरिटी को बताना लाजमी है। जैसे कि फटैलिटी होगी, बंदा मर गया, मौत वाक़या होगी, मेजर इंजरी, ज़्यादा शदत से उसकी मतलब उसको चोट लगी है। डेंजरस अक्रेंस, कोई शदीद हादसा पेश आ गया। डिजीज, कोई बीमारी लग गई है। लॉस्ट टाइम इंजरीज, जिसकी वजह से टाइम ज़ाया हो गया, ऐसी इंजरी जिसकी वजह से टाइम ज़ाया हो गया। एलिमेंट नंबर 4.3 है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है जी। ऑडिटिंग इज द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन है, यानी कि एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया है, उसकी आपने एक किस्म की तहकीक करनी है, तफ्तीश करनी है कह लें आप, फिर उसको एवेल्यूएट करना है, उसकी तशखीस करनी है कि ये उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, कह रहे जी व्हाट इज एक्सरसाइज आ गई है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ऑडिट और इंस्पेक्शन के दरमियान फर्क क्या है, अब डिफरेंस बता रहा जी इंस्पेक्शन और ऑडिट का। इंस्पेक्शन चेक द वर्क प्लेस, इंस्पेक्शन में एक जगह को देखा जाता है, चेक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो होता है उसके मुताबिक उसको देखा जाता है, यूजुअली क्विक फॉर्न हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लोअर कॉस्ट, खर्चा बहुत कम आता है इसके ऊपर। मे ऑनली रिक्वायर बेसिक कॉम्पिटेंस, थोड़ा बहुत बंदा कॉम्पिटेंट बंदा भी कर सकता है। पार्ट ऑफ एन ऑडिट, ये एक ऑडिट का हिस्सा है। लुक एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, खुद जाके बंदे ने चेक करना है, फिजिकली देखना है। ठीक है, ऑडिट में क्या आता है, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। एग्जामिन प्रोसीजर, प्रोसीजर को देखा जाता है। इंटरव्यूज वर्कर्स, वर्कर्स का इंटरव्यू लिया जाता है। फिर स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई किया जाता है। फिर वर्क प्लेस को चेक किया जाता है। फिर प्रोसेस को चेक किया जाता है कि कितना लंबा प्रोसेस है, क्या है, क्या हो सकता है। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटेंस बंदा चाहिए होता है। ठीक है, और ये क्योंकि मैनेजमेंट को देखा जाता है इसके पीछे। प्री ऑडिट प्रिपरेशन, ऑडिट से पहले जो है वो क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। टाइम स्केल, टाइम बताना चाहिए कि 2 दिन में खत्म होगा, 3 दिन में, 1 दिन में, कब। ऑडिट का स्कोप क्या है, किस किस्म की हो रही है, परमिट टू वर्क चेक हो रहा है, वर्क एट हाइट चेक हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेक हो रही है, गैस टेस्ट, क्या क्या चेक हो रहा है, ये बताना पड़ेगा उसमें। ठीक है, स्कोप बताना पड़ेगा। एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, जगह कौन सी है ऑडिट की वो देखनी पड़ेगी। हु विल बी रिक्वायर्ड, कौन बंदा उसके लिए चाहिए। ठीक है, व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके लिए। ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान क्या होगा। ऑडिटर्स यूज 3 मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स जो होते हैं 3 चीज़ें चेक करते हैं। पेपर वर्क, जिसमें डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड आ जाते हैं। इंटरव्यूज, मैनेजर का और वर्कर्स का। ऑब्जर्वेशन, इसमें वर्क प्लेस इक्विपमेंट और एक्टिविटीज होती है। यानी ऑडिटर्स अगर, यानी कि ऑडिटर्स अगर आ गए, उन्होंने 3 चीज़ें चेक करनी है, पेपर चेक करने, लोगों के इंटरव्यू करने जाके, और उन्होंने खुद भी जाके अपने आप से चीज़ें देखनी है। टिपिकल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन
ड्यूरिंग एन ऑडिट। कौन कौन से जी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी चेक करते हैं, इनकी कमिटमेंट क्या है, साइन किसने किए हुए हैं इसके ऊपर, पॉलिसी के ऊपर। रिस्क असेसमेंट चेक की जाती है और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क चेक किया जाता है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक किया जाता है। सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स चेक की जाती हैं, उनके मिनट्स चेक किए जाते हैं, क्या क्या हुए डिस्कस हुए। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, क्या क्या मेंटेनेंस हुई है, ठीक है ठीक है। इक्विपमेंट्स की, मशीनरी की, व्हीकल्स की, ये सारा चेक किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी की मॉनिटरिंग एक्टिविटी, जिसमें टूर्स आ गए, इंस्पेक्शंस आ गए, सर्विस, ये चेक किया जाता है, इनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और नियर मिस इन्फॉर्मेशन, ये चेक की जाती है। एमरजेंसी के अरेंजमेंट क्या क्या लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, कौन कौन सा एग्जिट एरिया, ये चेक किया जाता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी जाती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होती है। आउटपुट फ्रॉम रेगुलर विजिट्स, जो लोग विजिट करते हैं, ठीक है, उनको उनकी रिपोर्ट चेक की जाती है। रिकॉर्ड्स ऑफ अ वर्कर कंप्लेंट, जो वर्कर कंप्लेन करते हैं उनका रिकॉर्ड चेक। और ऑडिट जो अगर एंड हो जाता है, फिर क्या होता है, यूजुअल टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग। जब ऑडिट खत्म हो जाता है तो एक मीटिंग हेल्ड की जाती है, उसमें फॉलोड विद रिपोर्ट पेश की जाती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। फिर वो मैनेजमेंट को बताया जाता है कि सर ये सिफारिशात हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करें ताकि और आपके लिए बेहतरी हो, बेहतरी आ जाए। और ऑडिट में भी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन, बाज़ औक़ात ये सर्टिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी होता है, ISO 45001 है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट के क्या क्या हैं, एडवांटेजेस एक्सटर्नल ऑडिट्स के हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस। कोई असर को, कोई नहीं उनको असर हो सकता कंपनी के अंदर, कोई मैनेजर है मालिक है कंपनी का, वो उनको कोई असर नहीं इस चीज़ का। फ्रेश प्योरिफाइज, नया है उसके उसके लिए सारा सिस्टम, उसे डीपली देखना है, ठीक है। मे हैव वाइड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, उसको बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो काम का, हो सकता है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो काम का। रिकमेंडेशन ऑफर कैरी मोर वेट, उसकी सिफारशत का हो सकता है काफ़ी वजन हो। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक्सपेंसिव, महंगा बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है, मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस सो मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन। और ये भी हो सकता है कि उसको बिजनेस की पता ही ना हो, ठीक है, और वो आपको गलत मशवरे दे दे। इंटीमिडेट वर्कर्स सो गेट इनकम कंप्लीट, सो गेट इन कम्प्लीट एविडेंस, हो सकता वर्कर को डरा दे कि आपके पास इनकम्प्लीट एविडेंस है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट्स के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेस एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत कम होता है। ऑडिटर्स ऑलरेडी नो द बिजनेस सो नो व्हाट वी रियलिस्टिकली अचीव, ऑडिटर को हर चीज़ का बिजनेस का पहले ही पता है, ठीक है, वो इजीली आराम से काम कर लेगा। इम्प्रूव ऑनरशिप ऑफ इशूज फाउंड, जो ऑनरशिप है उसको, उसके बारे में उसको ज़्यादा इजीली पता लग जाएगा और ज़्यादा जल्दी जो भी मसले उसको उनको ढूंढ लेगा। बिल्ड कंपिटेंसी इंटरनली, अंदर के जो है कंपनी के अंदर जो कंपिटेंसी है उनको बिल्ड कर लेता है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या, ऑडिटर्स मे नॉट नोटिस सर्टेन इश्यूज, ऑडिटर्स मे नॉट नोटिस सर्टेन इश्यूज, हो सकता है कि वो बहुत सारी इश्यूज को हाईलाइट ही ना करे, बताए ही ना, नोटिस ही ना करे। ऑडिटर्स मे नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड, हो सकता है कि उसको नॉलेज ही ना इतना हो, ठीक, और लीगल स्टैंडर्ड का पता ना हो। ऑडिटर्स मे नॉट पोसेस ऑडिटिंग स्किल्स, तो मे नीड ट्रेनिंग, हो सकता है उसको ट्रेनिंग की जरूरत हो, उसके अंदर स्किल्स ही ना इतने हो। ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट,
सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस। हो सकता है ऑडिटर्स डर की वजह से सही फाइंडिंग ही ना दे पाए, दे ही नहीं सकता फाइंडिंग, दे ही नहीं सकता वो। ठीक है, एलिमेंट नंबर है 4.4, रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस होगी, इसको रिव्यू करना है जी, अब क्या कैसे करेंगे। पर्पस ऑफ रेगुलर रिव्यूज, इसका मकसद क्या होता है, बार बार उसका जायजा लेना। फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू, मैनेजमेंट सिस्टम एक बन चुका है, बुक आपके पास आ गई है, उसको रिव्यू करना है बाय द बोर्ड। बोर्ड करेगा कब, एनुअली, हर साल बाद। मैनेजमेंट टीम रिव्यू, मैनेजमेंट की टीम जो है वो क्वार्टरली उसको रिव्यू करेगी। डिपार्टमेंटल रिव्यू जो है वो लाइन मैनेजर करेगा और मंथली करेगा। ठीक हो गया। रिव्यूइंग परफॉर्मेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस का जायजा लेना, काम करने का जायजा लेना, ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्यों, आर वी ऑन टारगेट, हम जिस टारगेट को फॉलो करें उसी पे हैं। इफ नॉट, अगर नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं है, ये चेक करना है। इसलिए ये परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। वट डू वी हैव टू चेंज, क्या चीजें हमें चेंज करने की जरूरत है। एम, मकसद क्या है, टू रिड्यूस लॉस टाइम एक्सीडेंट बाय 5%। एक्सीडेंट जो है 5% उसको कम करना है। टारगेट हैज बिन मेट, अगर टारगेट मिल चुके हैं, सेट अ न्यू टारगेट ऑफ एनदर 5%। अगर हमारे टारगेट मिल चुके हैं तो हम मजीद 5% कम करेंगे अगले साल। एक्सरसाइज है जी, व्हाट एक्टिव एंड रिएक्टिव मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस वुड नीड टू बी रिव्यूड एनुअली। कौन कौन से एक्टिव और रिएक्टिव मेजरमेंट्स हैं जिनको आपको हर साल रिव्यू करने की जरूरत होती है। इश्यूज टू बी कंसीडर इन रिव्यूज, कौन कौन से इश्यूज कंसीडर होते हैं जी, लीगल कंप्लायंस, कानूनी चीज़ें उसमें डिस्कस होती है, कंसीडर होती हैं रिव्यू में। एक्सीडेंट एंड इंसीडेंट डाटा, इंस्पेक्शन, सर्वेस, टूर्स एंड सैम्पलिंग, ये इसको रिव्यू करने की जरूरत है। एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा, ऑडिट रिपोर्ट्स है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इन्फोर्समेंट एक्शन है, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज हैं, लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडर होते हैं रिव्यू में। आउटपुट फ्रॉम रिव्यू, रिव्यू से आउटपुट क्या क्या आता है। रिकॉर्ड्स ऑफ द रिव्यू शुड बी रिटेन्ड, जो रिकॉर्ड आएगा उसके उसको आपने मद्देनजर रखना, देखना इसको। डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद MHSWR, आपने इंप्लीमेंट करना है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन सिस्टम, उसके मुताबिक आपने काम करना है। रिजल्ट्स मे हैव टू बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स, जो रिजल्ट आएंगे वो आपने शेयर होल्डर से शेयर करने या रिपोर्ट करने हैं उनको। द एम इज कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मकसद इसका यह है कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। क्या, सीनियर मैनेजर रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर मैनेजर्स को चाहिए कि वो परफॉर्मेंस रिव्यू करें और टारगेट सेट कर दें ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए। मिडिल मैनेजर्स रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। मिडिल मैनेजर को चाहिए कि वो परफॉर्मेंस को का जायजा लें और टारगेट सेट करें अपने डिपार्टमेंट के लिए। जूनियर मैनेजर्स रिव्यू लोकल परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर देयर लोकल एरियाज, और जो छोटे मैनेजर हैं वो अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लें और टारगेट सेट करें अपने एरिया के मुताबिक। ठीक है, हमने इस एलिमेंट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है, हमने पर्पस, प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट का और क्यों जरूरत है इसकी रिकॉर्डिंग की और इसको रिपोर्ट करने की, ये डिस्कस किया। रीजन क्या है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के पीछे, ये हमने डिस्कस किया इसके अंदर।
और हमने रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड डेंजरस अकरेंस के बारे में और इसकी किस्में डिस्कस की, किस किस टाइप की ये होती हैं। हमने ऑडिट को देखा, उसका मकसद, उसका प्रोसीजर देखा गया और हमने इसमें बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को क्यों रेगुलरली रिव्यूज करने की ज़रूरत है। दोस्तों हमने हो चुका है IG2 की तरफ, इंशाल्लाह हम चलेंगे। अब इसमें मेरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, और लाइक कर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको शेयर भी कीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।